ऑलरेडी काफी टाइम से बताते आ रही हूँ कि आपके एग्जाम में चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर दूसरा और चैप्टर तीसरा, तीन चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तीनों चैप्टर का मैं रिवीजन आपको करवा चुकी हूँ, तीनों चैप्टर जो है एक एक करके समझा चुकी हूँ। फिर कल हमने क्लास में तीनों चैप्टर को मिला के एक साथ रिवीजन किया था, तो तीनों चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं। कल आपका पेपर है, आपके पास सिर्फ आज का दिन है, तो आज मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से तीनों चैप्टर्स के बारे में बता देती हूँ। पहला जो चैप्टर है वो हमारा परिवार से रिलेटेड है। कितने तरह के परिवार होते हैं हमारे आसपास? दो तरह के परिवार होते हैं। कौन कौन से होते हैं परिवार? छोटा परिवार और बड़ा परिवार। छोटे परिवार को क्या कहा जाता है? छोटे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है, और बड़े परिवार को? बड़े परिवार को संयुक्त परिवार भी कहा जाता है। छोटे एकल परिवार में सदस्य कितने होते हैं? एकल परिवार में तीन या चार सदस्य होते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं। एकल परिवार के सदस्य कौन होते हैं? माता पिता और बच्चे। और संयुक्त परिवार के सदस्य कौन होते हैं? संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और उनके बच्चे। तो इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें ये सदस्य रहते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि आजकल संयुक्त परिवार जो है वो छोटे एकल परिवारों में कन्वर्ट होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। इसके कारण है जॉब, यानी कि नौकरी के लिए कुछ परिवार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो नौकरी। दूसरा, कुछ परिवार में कुछ सदस्य अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं, तो उससे भी संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति, यानी कि परिवार में कुछ लोगों के पास में पैसा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो अच्छा जीवन जीने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा फैसिलिटीज पाने के लिए वो लोग संयुक्त परिवार से अलग होकर एकल परिवार का बन जाता है। वो लोग शहरों में या अच्छी जगह, दूसरी जगह जहाँ पर वो रहना चाहते हैं वहाँ जाकर के रहने लग जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे आजकल संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलता जा रहा है। उसके बाद में इस चैप्टर में हम हेरिडिटी मीन्स वंशानुगत के बारे में पढ़ रहे थे। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी में आगे से आगे गुण जाते रहते हैं। तो इस तरह से गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी में जाना अनुवांशिकी या वंशानुगत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे मेरे दादा दादी के जो कुछ दादी की जो नाक है वो मेरे पापा से मिलती है, मेरे पापा की जो आँखें हैं वो मेरे भाई से मिलती हैं, मेरे दादी की कुछ आदतें हैं वो मेरे बुआ से मिलती है, और मेरी बुआ की जो कुछ आदतें हैं वैसी सेम मेरी बहन में मिलती है। इस तरह से ये गुण या जो आदतें होती हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं, इसे कहते हैं वंशानुगत या फिर अनुवांशिकी। सबसे पहले इसको किसने डेवलप किया था, किसने खोजा था? वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके बाद में इसके से रिलेटेड पढ़ाई हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने भी की थी वंशानुगत के क्षेत्र में, तो उन्हें इसके लिए नोबल प्राइज या नोबल पुरस्कार दिया गया था। ये चैप्टर एक है। चैप्टर जो दो है, पार्ट दो, उसमें परिवारों के आने जाने एक जगह से दूसरी जगह जाने के कुछ कारण इस चैप्टर में दिए गए। कुछ परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाकर क्यों रहने लग जाते हैं, वही अभी बताया था, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, या फिर कोई प्राकृतिक परेशानी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बारिश ज़्यादा करती है, बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, उसके कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण भी, कि कई बार इसमें आया था कि प्राकृतिक आपदा जो होती है उसके कारण, और कंस्ट्रक्शन यानी एक जो गुजरात में कडाणा बांध है वो बन रहा था, उसके कारण वो जो एरिया था जहाँ बांध बन रहा था वो नीचा पड़ गया था, वहाँ पानी भर जाता था बारिश आती, तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती थी, इस कारण भी वहाँ के लोग दूसरी जगह जाकर रहने लग जाते हैं। तो ये कुछ कारण है इस चैप्टर में जिनके कारण लोग जो हैं वो अपने रहने व जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। और तीसरा क्वेश्चन आपको मैंने समझाया ही है, ये
स्पेशल लोगों के बारे में, विशेष लोगों के बारे में, कि कुछ लोग हैं जिनके आना जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें विशेष योग्यजन कहा जाता है। इनमें से जो लोग देख नहीं पाते वो लोग भी हमारे तरह लिखा और पढ़ सकते हैं, तो नहीं देखने वाले जो लोग हैं वो लिखने पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ब्रेल लिपि का वो प्रयोग करते हैं। इसमें 6 बिंदु होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं, जिन्हें छूकर, हाथ से छू करके पहचाना जाता है, पढ़ा जाता है। ये ब्रेल लिपि होती है। इसको सबसे पहले आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। वो भी देख नहीं पाते थे, उन्होंने ये 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि बनाई थी। ठीक है, इसके बाद में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन और आता है, सेरेब्रल पॉल्सी एक बीमारी है। इसके अंदर जो मरीज होता है उसका जो मस्तिष्क होता है, दिमाग, उसका शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, अपने शरीर के अंगों से काम नहीं कर पाता, उसके शरीर के जो अंग है वो काम नहीं कर पाते, होते पूरे अंग प्रॉपर है लेकिन वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि मस्तिष्क का नियंत्रण, जो दिमाग का जो नियंत्रण है वो शरीर के अंगों पर नहीं होता। ये सेरेब्रल पॉल्सी एक बीमारी है। तो इस तरह से तीनों चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर को आप लर्न करेंगे या फिर जो प्रीवियस वीडियोज आप देखेंगे तो आपको समझ में आ